किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय। आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छोटे किसान भाई हैं और जो सब्जियों की खेती करते हैं, उनके लिए अपनी फसल से खरपतवार हटाने के टूल के बारे में, जो कि काफ़ी सस्ता है और किसान भाई काफ़ी आसानी से उससे अपनी फसल से खरपतवार निकाल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से ये बना हुआ है टूल और इसमें क्या क्या हमें विशेषताएँ मिलती है और आप एक दिन में कितनी निराई गुड़ाई कर सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो टूल बना हुआ है ये किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जैसे कि वो कहीं पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, तो वहीं पर ले जा सकते हैं अपन इसको, और जैसे कि मजदूरी नहीं मिल रही कोई तो उसमें अपन चला सकते हैं। यानी मतलब जहाँ हमारे मजदूर नहीं मिलते हैं या फिर ट्रैक्टर हम नहीं घुमा पाते, यानी जो छोटे किसान वाले जो हैं, छोटे जिनके पास खेत है या फिर सब्जियों खेती करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो किस तरीके से, जैसे मैं देख रहा हूँ आप जैसे चला रहे हैं तो इसे धक्का दे के चलाना पड़ता है, धक्का दे के चलाना पड़ता है, तो उसमें कितना जोर वगैरह लगता है उसके बारे में? नॉर्मली आता है इतना, मतलब नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं। तो जैसे अभी आप कितने टाइम से इसे लगभग चला रहे हैं? ये अभी लाए थे शायद दस एक दिन हो गए। तो लगभग आपने कितनी जमीन में से इसे खरपतवार निकाला है? जो है 10 एक बीघा होगा शायद, 10 एक बीघा लगभग ने आपने इसे खरपतवार निकाला है। तो क्या इसका परिणाम आपको रहा है, किसा रिजल्ट इसका मिला है? अच्छा है, हमको बोले तो किसान के लिए अच्छा है कि कोई, हाँ मतलब कुल मिला के जो छोटे किसान है और उनके काफ़ी अच्छा है। तो कितने रुपये में ये जो है आपको मिला है? ये 900 रुपये मिला। कहाँ से मिला है ये? ये बड़ी सादी से लेंगे, यानी कि आसपास में ही मिल जाता है, मतलब आसपास में मिल जाता है, ज़्यादा मतलब मार्केट संभालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी तक आप इससे कौन कौन सी फसलों से खरपतवार निकाले और कौन सी फसलों से हम इससे खरपतवार निकाल सकते हैं? तो ये मक्की है, सोयाबीन है और कोई साग सब्जी है तो उनमें भी कर सकते हैं। यानी मतलब जो हम एक तो कि अभी जो हमने सारी जो फसलें लगा रखी है सोयाबीन वगैरह, इनसे तो फसल खरपतवार निकाल ही सकते हैं, साथ में हम जो सब्जियां वगैरह की खेती कर रहे हैं अगर तो उनसे भी खरपतवार निकाल सकते हैं उनमें से भी। तो जैसे अगर हमारे कोई किसान भाई हैं कि इसे वीडियो को देख रहे हैं और वो लेना चाहते हैं इसे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बहुत बहुत अच्छा चीज़ है, जिसके मजदूर नहीं मिल रहे तो चाहे नॉर्मल काम निकल सकता है युवा आदमी, हाँ मतलब आसानी से एक अकेला आदमी काम कर सकता है, घर घर के मिलके मतलब काम कर सकते हैं। तो आप हमें एक चीज़ जैसे और बताइए, ये काफ़ी छोटा है तो जैसे अगर किसान भाई से चलाए तो एक दिन में कितनी ज़मीन में से इसे खरपतवार निकाल सकते हैं? हम चलाए तो 2 बीघा निकाल सकते, 2 बीघा निकाल सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ और बताओ कि आप जैसे इसकी कतारें हैं तो मतलब ये पौधे वगैरह तोड़ता वगैरह तो नहीं है? नहीं तोड़ता, मतलब जैसे आसानी से चल सकता है। तो जैसे किसान भाइयों, मैं आपको भी पास में एक बार ये बताना चाहता हूँ, जैसे सिंपल तरीके से ये बना हुआ है, पीछे एक जो हमारे पत्ती लगी हुई है इसके से चलता है और आगे एक पहिया लगा हुआ है। तो सर एक बार आप इसे चलाइए, हम देखना चाहते हैं थोड़ा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो अपनी फसल से है उससे खरपतवार निकल जाएगा, आप आसानी से जो अपनी खेत की निराई गुड़ाई है वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि काफ़ी अच्छा टूल है और जो छोटे किसान भाई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टूल है, बड़े जो किसान भाई हैं वो तो इससे शायद अपनी फसल से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं बड़े, क्योंकि बड़े एरिया में निकालेंगे तब तक हमारी जो फसल है वो पकने को भी आ जाएगी। तो जो छोटे किसान भाई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टूल रहेगा, या फिर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको हमारे आज के इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।